नमस्कार दोस्तों, V2 बिहार न्यूज में स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 75वां वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे पंचायतवासी जो पर्रा पंचायत के स्थानीय निवासी हैं, वार्ड कमिश्नर भी हैं और बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। काफ़ी जो उत्साह है इस देश की स्वतंत्रता, भारत ने जब 1947 में जब आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों से जो मुक्ति प्राप्त हुआ था, तो ढेर सारी जो है हमारे वीरों ने अपनी जान गंवाया, अपने जो शहादत। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर सब एकत्रित होते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो अभी 75वां जो है अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे बीच बहुत सारे जो हैं जो ग्रामीण हैं और वो समाज सेवा से जुड़े लोग हैं हमारे बीच हैं। तबरेज आलम जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पहले सबसे पहले आपको देश के स्वतंत्रता दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी शुक्रिया, और हमारे तरफ से भी पूरे पंचायतवासी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुखिया पर्रा पंचायत के मुखिया जो प्रधान है मोहम्मद असजद मल्लिक जी के द्वारा जो है यहाँ पर झंडा उत्तोलन किया गया है, और इसके बारे में क्या कहेंगे अपने पंचायत वासियों के? हाँ, झंडा जो फहराया गया बहुत खुशी की बात है। हमारे मुखिया जी झंडा फहराए, और मुखिया जी अब पंचायत पर पूरा ध्यान दें, पंचायत पर पूरा काम हो कि जैसे अब हमारा रोड का विकास होता है, पब्लिक का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान हो, रोजी रोजगार पर ध्यान हो। जैसे हमारे पंचायत में तो मुखिया जी जहाँ तक हैं, तो मुखिया जी पंचायत में काम करें। आज़ादी महोत्सव बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज़ादी हम तब मानेंगे जब पंचायत में और पूरे देश में हर जो बेरोजगार है उस रोजगार मिले। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसा लोग हैं जो अपने पंचायत में उस तरीक़ा से काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुखिया जी से या पर्रा पंचायत समिति से चाहेंगे जो काम हो रहा है उससे बेहतर तरीक़ा से करें। जो हमारे पंचायत में बहुत इंदिरा आवास, बहुत कुछ ऐसा गरीब है जो उस तरीक़ा से नहीं हो रहा है। अभी भी दलाली बिचौलिया बहुत है, जो गरीब लोग को 2,000-2,500 रुपया लेके उसको घर नहीं दे रहा है। बहुत सा ऐसा जगह है, समझे? लेकिन हम मुखिया जी समिति जी चाहेंगे जो इस चीज़ को ख़त्म हो, जो वर्षों से चला आ रहा है उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए पर्रा पंचायत में। ऐसा लग रहा है इस आज़ादी के वर्ष, ये आज़ादी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब से मेरा मतलब अथी हुआ है, तब से मेरा वार्ड नंबर 11 में अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैं हम यही चाहता हूँ मुखिया से भाई तो अथी से ये विकास होना चाहिए। विकेश भाई ने बोले कि स्मार्ट पंचायत हो, तो पंचायत वैसा बने कि पूरे जिला में नाम हो, ये पंचायत में इस तरह से काम हुआ। मैंने युवा के चुना, युवा को क्यों चुना जाता है? इसीलिए कि बदलाव लाए, नहीं तो नया तरीका से बदलाव लाए। दुनिया चांद पर जा रहा है, हम अभी जमीनों पर सही से नहीं चले हैं, कि कहाँ का इंसाफ है? हम लोग किस लिए चुनते हैं? मुखिया या सरपंच समिति जो चुना जाता है, समाज में बदलाव के लिए चुना जाता है। आज आपने फुलकारी, मेरा पंचायत है, मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ, पंचायत में गया हूँ, अपना मुसहरी टोला जो है वहाँ गया, तो मेरा देख के दंग रह गया मेरा दिमाग। क्यों अभी भी दलित महादलित का जो क्षेत्र है वो भी बहुत बहुत पिछड़ा हुआ है। हम आज़ाद हैं, मेरा पंचायत में आज़ादी महोत्सव मनाया जाता है। मेरा पंचायत का हालत ये है कि वहाँ दारू मुर्गा पर खरीद लिया जाता है लोगों को, वोट के टाइम में खरीद लिया जाता, बिकाऊ समाज को बना दिया गया। कौन सुधारेगा? हम आए सत्ता में, हम समाज को वैसा बनाएंगे कि आगे हमको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़े समाज पर, और समाज वैसा बने कि ईमानदारी साथ कैंडिडेट को सही चुने। कब चुनेगा? जब हम सामने आए, युवा सामने, युवा सुधारेगा। इसलिए आप तबरेज आलम ने भी जिक्र किया उस फुलकारी क्षेत्र का काफ़ी पिछड़े हुआ है, आप उस वार्ड क्षेत्र का आप जो वार्ड कमिश्नर हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग उसमें बिल्कुल सहयोग हैं, मुखिया जी को भी आवेदन दिए हैं, सभी योजना सड़क पहले वहाँ पे नहीं व्यवस्था उसके सड़क के लिए दिए। किसने कहा कार्य नहीं हुआ है? कार्य कर रहे हैं मुखिया जी अपने पक्ष से, जहाँ से आ रहा है उनके फंड जो आ रहे हैं, सभी काम तो कर रहे हैं। वार्ड नंबर 12 का हूँ, मेरे मतलब जो गांव की समस्या है, अभी हम लोग भी जाते हैं। पर्रामंठ आपका घर? पर्रामंठ घर है, और अब बरसात होता है तो इतना पानी में हेल के जाते हैं। मुखिया जी से हम आग्रह करते हैं, इसको जल्द से जल्द मेरा के लिए समस्या निदान कर रहे हैं। पैदल चलने लायक नहीं, अभी एक दीवार गिर गया है वहाँ पर, आप देखेंगे पैदल चलने लायक नहीं है, यही न तो नल जल कोई व्यवस्था है। ये सब तो होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, काम तो सब। कितना समय लीजिएगा? एक साल होने को है? एक साल होने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी प्रयास रहेगा मेरा पंचायत में काम हो। अरे बीच मुखिया जी भी मौजूद है, बहुत सारे सवाल है इस पंचायत वासियों के लिए। मेरे तरफ से पर्रा पंचायत के सभी जनता को 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। तो आरोप लगाया जा रहा है जनता के द्वारा कि जो अलग अलग जगहों में कुछ जगह जो ऐसी है जो फुलकारी के जो है वार्ड 14 है, वार्ड जो 12 का जो स्थिति है पर्रा मंठ का, वो कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी फुलकारी में आपके सामने में अभी नाला का काम हो रहा है, आप लोग को भी पता होना चाहिए। आरोप लगाना बहुत आसान है,
लेकिन काम करना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे जैसे योजना आ रहा है, अभी लक्ष्मीपुर में काम करवाया, नाला का काम हुआ, अभी पर ये फुलकारी में है, सरोजा में फेवर ब्लॉक का, ये सारा काम हो रहा है। जो सिस्टम है वही सिस्टम से काम होगा ना, जैसे जैसे योजना आएगा उस हिसाब से काम होगा। जिस तरह से आपको चुना है और लोगों के प्रति जो एक आपके जो भाव है, और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से जो पहले जो करप्शन था पंचायत में, जो बिचौलिया द्वारा जो रुपया का डिमांड किया जाता था, और उसको लेकर किस तरह से देखते हैं लोगों की इस तरह की पंचायत में हम चल के सभी लोगों को बोल दिए हैं, इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, किसी को कुछ देने के लिए नहीं। मुखिया खुद चल के जा रहा है किसी बिचौलिया को कुछ पैसा वैसा नहीं देने के लिए, और उसके बाद में अगर कोई बोलता है कि पैसा लिया कुछ दिया, तो गलती उनकी है ना। हम एक एक आदमी जितना इंदिरा आवास आया है पेंशन वाला, सबको जाके यही बोलते हैं, अगर कोई पैसा मांगता है तो हम उसको आके बताइए, उसके बाद अगर कोई मांगता है तब उससे हम पूछेंगे। अब बिचौलिया क्या कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, लोगों के बीच आता है कि बिचौलिया कर रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से कोई बताता ये नहीं है कि वो ले रहा है। लीज जो इंदिरा आवास के लेकर है, अभी बहुत सारे लोगों की जो है घर नहीं है रहने के लिए, काफ़ी जो पर्रामंड की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि जो झोपड़ी में जीवन बिताने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन स्थिति में बिता रहे हैं इस समय, उन लोगों के लिए क्या आश्वासन देना चाहते हैं जो इंदिरा आवास उसको जल्द से जल्द मुहैया किया जाए। ये BDO साहब से बात हुई थी, जो पुराना अभी मकान चल रहा है जो लिस्ट में है उसको देने के बाद नया जोड़ा जाएगा, उसमें जो होगा जोड़ेंगे, हर संभव प्रयास रहेगा कि कोई छूटे ना उसमें। अपने पंचायत के सभी वासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे पंचायत में इससे पहले भी मुखिया रहे हैं और अभी भी हैं जो अरशद मलिक हैं, तो पहले जो करप्शन का रिपोर्ट था वो अभी नहीं है, आरोप लगाना ये आसान बात है। रही बात काम की बात, तो योजना जैसे सरकार पंचायत में भेजेगा उसी आधार पर काम होगा। और रही बात कि कुछ लोग बोलते हैं कि कार्यकर्ता, कोई भी प्रतिनिधि होगा उसका कार्यकर्ता होगा, लेकिन कार्यकर्ता अगर कहीं कोई चीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकर्ता है, फलां जगह पैसा ले रहा है, चिलना जगह पैसा ले रहा है, ऐसा रिपोर्ट आज तक देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल, इस पर कहीं ना कहीं जो है सख्ती बरता जाए, और कहीं अगर होता भी है तो इसको रोका जाए। और मैं पंचायतवासी की तरफ से और मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे हमारे पर्रा पंचायत के जो है प्रधान मुखिया जी के लिए, इसी तरह के मैं अपडेट देता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।